पीएम मोदी ने किया गरीब कल्याण योजना के विस्तार का ऐलान। नवंबर तक मिलेगा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल बिल्कुल फ्री। प्रत्येक परिवार को मुफ्त में मिलेगा 1 किलो चना। पीएम के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, शेर लिखकर साधा निशाना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी हल्ला बोल, मुफ्त राशन चुनावी कार्यक्रम। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने की नारेबाजी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ आंदोलन। पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल बोले, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वापस लो। बड़ी भी महंगाई, हाय हाय। भाजपा सरकार मूर्त पर। उत्तराखंड के चमोली में सरपंच की बेटी बनी बाघ का निवाला। नारायण बगड़ इलाके की घटना। नागरिकों की मांग, पहले टाइगर को मारने के लिए आदेश दो, तभी होगा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। महीने भर में तीसरी घटना। लेकिन यहां पर SDM साहब आए हैं और रेंजर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है और DFO साहब से उन्होंने हमारी बात कराई। DFO साहब ने ये कहा है कि ऑफिस खुलने के बाद 10-11 बजे तक हम जो है तो वाइल्ड लाइफ से हम लोग इसको आदमखोर घोषित करने की हम लोग परमिशन ले लेंगे। और SDM साहब ने बताया है कि गैरसैंण से यहाँ पर शूटर चल के आ रहे हैं, पौड़ी से भी शूटर आ रहे हैं, वो यहाँ पर 2-4 घंटे के लगभग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम लोग आश्वस्त हैं और आश्वस्त होने के बाद हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन यदि जब तक पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी यहाँ पर यदि उसको आदमखोर घोषित करने की अगर परमिशन नहीं दी जाती है या यहाँ पर शूटर नहीं पहुँचते हैं तो हम पोस्टमार्टम के बाद भी हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे। जब तक अगर ये, क्योंकि सब में बहुत बड़ा रोष बना हुआ है और सबका यही मानना है, इसीलिए सब लोग एकजुट हैं, सारे क्षेत्रवासी एकजुट हैं। जब तक इसको आदमखोर घोषित होने के साथ साथ यहाँ पर शूटर नहीं पहुँच जाते हैं तो इस छोटी बालिका की अंत्येष्टि नहीं हो पाएगी। बिहार के बेगूसराय में ABVP कार्यकर्ताओं का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल कुमार के नेतृत्व में लगा नारा, बिहार सरकार कुछ तो बोल, गिरती शिक्षा पर मुंह तो खोल। डिग्री कॉलेज खोलने और बिहार शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर को
बर्खास्त करने की भी मांग। बजेगा ढोल, खुलेगा बिहार सरकार का पोल, एसटीईटी में हुई दलाली, बिहार सरकार ने खाई मलाई के नारे के साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय इकाई के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजा करके बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारा यह प्रदर्शन बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि आने वाले समय में बेगूसराय जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। आज मेडिकल कॉलेज ठंडे बस्ते में चला गया। विश्वविद्यालय और तमाम प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थान आज भी बंद है। हम लोगों का यह मांग है तमाम प्राइवेट शिक्षण संस्थान वालों को, विद्यार्थियों को लॉकडाउन में आर्थिक राहत दिया जाए। इसके साथ ही बिहार सरकार का यह वादा था कि हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय के प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए हम लोग आंदोलनरत है और बिहार सरकार से यह मांग करते हैं। कभी का यह गणेश दत्त महाविद्यालय परिसर जो फूलों के गंध से महकाया करता था, आज सड़े हुए सब्जी के गंध से और लैट्रिन और मलमूत्र के गंध से महक रहा है। इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ हम लोगों ने यह हड़ताल किया है और आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग बिहार सरकार और दोनों से यह मांग करते हैं कि बिहार कांस्टेबल में हुई धांधली, दरोगा में हुई धांधली, एसटीईटी के खिलाफ यह प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। और इसी के साथ हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं सब्जी मंडी को जल्द से जल्द हटाया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम त्रिवेंद्र सिंह का पुतला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मुकदमे से नाराज है कांग्रेसी। लॉकडाउन में विरोध करने पर दर्ज हुआ था मुकदमा। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी की मांग, रोल बैक करो मुकदमा और महंगाई, वरना जारी रहेगा आंदोलन। पूरे देश में जहां एक ओर कोरोना का संकट काल है, दूसरी ओर सरकार की जो एक गलत नीतियां हैं उसके चलते महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल आज तक इतने नहीं बढ़े, जबकि पूरे विश्व स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ भारत में इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मार सीधे तौर पर जनता को ही पड़नी है, जनता के ऊपर ही इसका असर होना है। उन्हीं के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कल पूरे देश में आंदोलन किया और ये सरकार चाहती है कि जनहित के मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी बात ना करे, जनता बाहर ना आए, आँख बंद करके बैठ जाए, चाहे वो चीन का इशू हो, चाहे महंगाई का इशू हो। तो कांग्रेस पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन, कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री हरीश रावत जी पर मुकदमा दर्ज किया गया और कांग्रेस के साथियों पर, दो दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी और बाकी कांग्रेसी पर मुकदमे दर्ज किए गए। ये बिल्कुल नाचायक है, ये गलत है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की तानाशाही रवैया छोड़ें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को और आक्रामक तरीके से सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। अब वाराणसी से घर बैठे मिलेगा काशी विश्वनाथ का प्रसाद। कमिश्नर की पहल पर डाक विभाग ने शुरू की योजना। लॉकडाउन में मनी ऑर्डर भेजने पर घर तक प्रसाद पहुंचाएगा डाकिया। दर्शन से वंचित भक्तों की पूरी होगी मनोकामना। कोरोना के दृष्टिगत पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रयास ये किया गया है कि क्योंकि कोरोना के चलते करोड़ों श्रद्धालु जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते थे और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते थे, उनको ये वर्तमान में कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पे आने में कठिनाई भी है और न हम उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पर वो आए, परंतु श्रद्धा ऐसी है कि वो चाहते भी हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से उनका जुड़ाव बना रहे। उसी और पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने एक यहाँ पर एक सुविधा प्रदान की है जिसमें कोई भी व्यक्ति 251 रुपये ई मनी ऑर्डर के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट में जमा करा सकता है और उसको यहाँ से एक बहुत माला और प्रसाद यहाँ का एक अच्छे पैकिंग के द्वारा उनके दिए गए पते पर उनको पहुँचा दिया जाए। राजस्थान के सुजानगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन। बैलगाड़ियों में बाइक बांधकर उड़ाई मोदी सरकार की खिल्ली। जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जमकर हुई नारेबाजी। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव इतने बढ़ा दिए कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार भाव बढ़ रहे हैं, जो कि ये जनता पर महंगाई की मार है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब यही मोदी जी और वो राजनाथ सिंह जी और उनके हमें पोस्टर साथ में लेके चले हैं, वो धरने पे बैठते थे कि भी पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए और वो उनको कम लो, वो धरने पे बैठते थे। हम इसलिए अब आज उनको ये अधिकार नहीं है
कि वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। उस टाइम तो वो हल्ला गल्ला कर रहे थे कि हम कम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो कम करेंगे, लेकिन मोदी ने आज तक कम किया नहीं, बढ़ाया बढ़ाया। ये जनता पर बड़ी भारी मार है और ये कोरोना की महामारी के समय तो और भी ज़्यादा भारी मार है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको पेट्रोल डीजल का भाव वापस कम किया जाए। पटना के पालीगंज में शादी में शामिल हुए 86 बारातियों को पकड़ा कोरोना। हलवाई, किराना और सब्जी दुकानदार भी निकले कोरोना पॉजिटिव। चिकित्सा अधिकारी और पुलिस हुई अलर्ट, 100 से अधिक लोग क्वारंटीन। हम सब का पता नहीं था कि कोरोना का, उनको तबियत तिलक से खराब था सर। शादी हुआ मैं तिलक पड़ा है, तुरंत उन्हें जा रहे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आकर ब्याह शादी करा रहे। हम सब कहा जानेंगे, हम सब गए अपना कि मैं बोलाता हूँ, हम सब खाने पीने गए वहाँ पर। खाने पीने के बाद में फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर आए। अब हम सब ये सब में डर में बने हुए सर, हमने को सब में जाँच होना चाहिए। अब तो कह रहा सर कि कोरोने से हुआ है सर, वो तो आए थे बाहर से सर। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्राइवेट शिक्षकों ने फूका बेसिक शिक्षा मंत्री का पुतला। स्थायी नौकरी और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। सरकार की उदासीनता पर जताया आक्रोश। शिक्षकों, कर्मचारियों और जो प्रबंधकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए हम आज बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हमने 30 मार्च 2020 से लेकर 26 जून 2020 तक 10 ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देने का कार्य किया, किंतु हमारे किसी भी मांग पर अभी तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का कोई भी बयान नहीं आया, न उन्होंने हम लोगों से बैठकर वार्ता की। हमारी पहली मांग है कि जो स्कूल का सेशन है वो जुलाई से जून किया जाए। दूसरी, हम सभी निजी स्कूल प्रबंधकों की मांग है कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनका मार्च से लेकर जून तक का पूरा मानदेय देने की सरकार व्यवस्था करे राहत पैकेज के हिसाब से। दूसरी, कि जो भी किरायेनामे हैं सरकार के आदेशानुसार, हम लोगों ने रजिस्टर्ड किरायेनामा 30 साल का बनवाया है, तो किरायेनामे का भुगतान, किराए का भुगतान किया जाए। उसी के साथ समस्त बिजली बिल, जो कमर्शियल बिजली बिल हमारे स्कूलों में लगे हुए हैं, उन बिजली बिलों को माफ़ किया जाए और स्कूल वाहनों के लोन का ब्याज पूर्णतः माफ़ किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो 5 जुलाई तक हमारा संघ इंतजार करेगा। 5 जुलाई के बाद हम प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।